Hello friends, welcome to my study sheet of physical education channel. दोस्तों आज मैं बता रही हूँ बास्केटबॉल के रूल्स मेजरमेंट एंड हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है. एंड दोस्तों मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी राज्य का हो टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस एनएमपी टेट यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी एलटी गेट सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी वीडियोज चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज पर वीडियो बनाए गए हैं. आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी थ्योरी वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं बास्केटबॉल के हिस्ट्री रूल्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में. क्वेश्चन है बास्केटबॉल के जन्मदाता थे. तो दोस्तों बास्केटबॉल के जन्मदाता थे डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ और ये अमेरिका के थे. इन्होंने 1891 में बास्केटबॉल की खोज किया था. नेक्स्ट है डॉक्टर जेम्स स्मिथ किस देश के निवासी थे. तो ये अमेरिका के थे. नेक्स्ट है बास्केटबॉल खेल की खोज किस सन में हुई थी. तो 1891 में डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ ने किया था अमेरिका में. नेक्स्ट है बास्केटबॉल की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां पे हुई. तो इसकी विश्व की प्रथम प्रतियोगिता 1892 अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में हुआ. नेक्स्ट है भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित हुई. तो भारत की प्रथम प्रतियोगिता 1934 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया बास्केटबॉल की. नेक्स्ट है विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब और कहां पे हुई. तो विश्व बास्केटबॉल संघ इसको बोला जाता है FIBA फीबा जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल यानी विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुआ था 1932 अमेरिका में जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है मिस स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट है भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई. भारतीय बास्केटबॉल यानी कि BFI यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुआ था 1950. इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है. तो दोस्तों आपको याद रखना है विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1932 में और भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1950 में. नेक्स्ट है कौन से ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष को शामिल किया गया. तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष को शामिल किया गया. नेक्स्ट है बास्केटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया. तो 1951 नई दिल्ली भारत में एशियाई खेलों को शामिल किया गया जैसा कि एशियाई खेल का प्रारंभ ही 1951 नई दिल्ली से हुआ था. नेक्स्ट है बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता का नाम बताइए. तो दोस्तों सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार बास्केटबॉल में 1961 सरबजीत सिंह को मिला था. नेक्स्ट है बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम दौड़ाचार पुरस्कार विजेता का नाम बताइए. तो अभी तक किसी को नहीं दिया गया बास्केटबॉल में दौड़ाचार पुरस्कार. नेक्स्ट दोस्तों बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है. तो यह 40 मिनट का होता है और इसमें 20-20 मिनट के दो पारी यानी कि 10-10 मिनट के चार क्वार्टर होते हैं. क्या होते हैं 10-10 मिनट के चार क्वार्टर होते हैं जिसमें से 10 मिनट फिर 2 मिनट का क्वार्टर ब्रेक फिर 10 मिनट उसके बाद प्रथम हाफ 20 मिनट के 10-2-10 के बाद 15 मिनट का आपका मध्यांतर होता है फिर 10-2-10-20 मिनट का दूसरा हाफ होता है. इस प्रकार चार क्वार्टर होते हैं और 15 मिनट का रेस्ट होता है आपका मध्यांतर. तो यहाँ पे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बास्केटबॉल में मध्यांतर का टाइम कितना होता है. तो 15 मिनट ये भी याद रखिएगा. नेक्स्ट है बास्केटबॉल में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है. तो कोर्ट पर खेलने वाले की संख्या होती है 5. नेक्स्ट है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है. तो कुल संख्या 12 होती है. नेक्स्ट है बास्केटबॉल में इंडोर कोर्ट की छत की ऊंचाई कितनी होती है. तो 7 मीटर होती है. आपको ध्यान में रखना है 3 गेम की इंडोर कोर्ट की ऊंचाई ज्यादा पूछा जाता है. जैसे कि बास्केटबॉल की इंडोर कोर्ट की छत की ऊंचाई 7 मीटर, वॉलीबॉल की 12.5 मीटर एंड बैडमिंटन की 9 मीटर.
के तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई 28×15 मीटर होती है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल के कोर्ट में लाइनों की मोटाई कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर होती है। जैसा कि दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ कि सबसे मोटा लाइनों की मोटाई होती है फुटबॉल की, जिसमें 5 इंच यानी कि 12.5 सेंटीमीटर होता है, और उसके बाद हॉकी का होता है 3 इंच यानी 7.5 सेंटीमीटर, उसका सबका 5 सेंटीमीटर होता है, और जिसमें से बैडमिंटन का 4 सेंटीमीटर सबसे कम होता है। बास्केटबॉल के सेंटर सर्कल का व्यास कितना होता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है सेंटर सर्कल का व्यास जो होता है 3.60 मीटर होता है, वहीं पर अर्ध व्यास पूछेगा तो 1.80 मीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल की गेंद का भार कितना होता है, तो बास्केटबॉल की गेंद का भार 567 से 650 ग्राम होता है। एंड नेक्स्ट है बास्केटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है, तो बास्केटबॉल गेंद की परिधि यानी कि डायमीटर होता है 75 से 78 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों 3 सेकेंड रूल्स, 8 सेकेंड रूल्स, 24 सेकेंड रूल्स किस खेल से संबंधित है, तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों आपको जानना है कि 3 सेकेंड रूल, 8 सेकेंड रूल और 24 सेकेंड रूल है क्या। 3 सेकेंड रूल के अनुसार एक खिलाड़ी विपरीत टीम के जो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, उसमें 3 सेकेंड से अधिक समय तक बॉल को अपने पास नहीं रख सकता। 8 सेकेंड के रूल के हिसाब से जिस खिलाड़ी के हाथ में अपने कोर्ट में बॉल होता है उसको, वह उसकी टीम को 8 सेकेंड के अंदर दूसरी टीम यानी विपरीत टीम के कोर्ट में बॉल को पहुंचाना होता है। मान लीजिए हमारे टीम कोर्ट में बॉल है, तो हमारे हमको या हमारे टीम को दूसरे कोर्ट में यानी अपने अपने विपरीत टीम को टीम में 8 सेकेंड के अंदर बॉल को पहुंचाना होगा। और 24 सेकेंड का रूल क्या कहता है कि जिस टीम के नियंत्रण में बॉल होती है उसे 24 सेकेंड के अंदर विपरीत टीम पर बास्केट के लिए यानी अंक लेने के लिए प्रयास करना होता है। मान लीजिए मेरे टीम या मेरे कोर्ट में बॉल है, तो हमें या हमारे टीम को दूसरी यानी विपरीत टीम में जा करके बास्केट के लिए अंक लेने का प्रयास 24 सेकेंड के अंदर करना है। ये होता है 3 सेकेंड, 8 सेकेंड और 24 सेकेंड का रूल। नेक्स्ट, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी या अधिकारी होते हैं, बास्केटबॉल में कितने अधिकारी होते हैं, तो 7 अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है बास्केटबॉल में यदि खिलाड़ी फ्री थ्रो पॉइंट क्षेत्र से बाहर से बास्केट करे तो कितने अंक प्राप्त होगा, तो जो फ्री थ्रो पॉइंट होता है उसके बाहर से जो दिख रहा है सर्कल दिख रहा है बड़ा सा, वो फ्री थ्रो पॉइंट है। उसके बाहर से बास्केट करने पर जब टोकरी में जा रहेंगे बास्केट में बॉल डालेंगे तो उसके बाहर से बास्केट करने पर 3 अंक प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट है बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में जो फ्री थ्रो एरिया होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, उसमें बास्केट करने पर कितना अंक प्राप्त होता है, तो 1 अंक प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यदि खिलाड़ी थ्रो पॉइंट के अंदर से बास्केट करने पर कितने अंक मिलेंगे, तो 2 अंक मिलेंगे। यानी कि आपको ध्यान में रखना है जो थ्री पॉइंट क्षेत्र होता है, अगर थ्री पॉइंट क्षेत्र के बाहर से बास्केट करे तो 3 अंक, और थ्री थ्रो पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करे तो 2 अंक, और फ्री थ्रो में बास्केट करे तो 1 अंक दिया जाता है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल के कोर्ट में एंड लाइन से कितनी दूरी पर पोस्ट यानी जो पोल होता है वो गड़ा होता है, तो 1 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट, बास्केटबॉल के कोर्ट में बैक बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, दोस्तों जैसा कि आपने देखा है बास्केटबॉल कभी खेला भी होगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई 1.80 मीटर, गोए 1.05 मीटर, यानी लंबाई 1.80 मीटर और चौड़ाई 1.05 मीटर होता है जो बैक बोर्ड होता है। बैक बोर्ड पर एक छोटा भी बोर्ड होता है जिसमें रिंग और टोकरी लगी होती है, तो उसकी देखते हैं। नेक्स्ट, बास्केटबॉल कोर्ट में बैक बोर्ड की ऊंचाई कितनी रखी जाती है, तो जो बास्केटबॉल कोर्ट में जो बैक बोर्ड होता है वो हमारे कोर्ट से 2.90
यानी 9 मीटर ऊंचा होता है। हमेशा बास्केटबॉल की कोर्ट में रिंग की ऊंचाई कितनी रखी जाती है, तो बास्केटबॉल में जो रिंग लगी होती है, जो छोटा वाला आयत होता है बैकबोर्ड में लगा होता है, उसमें लगा होता है, तो ये थोड़ा ऊपर होता है बैकबोर्ड से, ठीक है। तो ये आपका 3.05 मीटर ऊंचा होता है रिंग जो होता है वह कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की कोर्ट में सेंटर लाइन कितनी बाहर निकली रहती है। तो बास्केटबॉल के कोर्ट में दोस्तों यहाँ पे तो दिया है 0.45 मीटर, लेकिन यहाँ पे ये मेरे ख्याल से नहीं होगा, 75 सेंटीमीटर होता है जो सेंटर लाइन निकला रहता है, 75 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे दिया है 0.45 मीटर, तो यहाँ पे इसको आप देख लीजिएगा, 75 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से होगा, बट यहाँ पे क्लियर करके मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट है, बैकबोर्ड पर लगे रिंग का व्यास कितना होता है। जो बैकबोर्ड पर रिंग लगा होता है उसका व्यास होता है 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, बैकबोर्ड पर लगे रिंग में हुक्कों की संख्या कितनी होती है। जो हुक्के होते हैं वो 12 होती है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल गेम में फाउल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो फाउल इसमें 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के फाउल होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के फाउल होते हैं, व्यक्तिगत फाउल, तकनीकी फाउल और प्लेयर फाउल। और यहाँ पे यही ध्यान रखना होता है कि 5 फाउल होने पर खिलाड़ी को गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकबोर्ड में जिस रॉड में जुड़ा, यानी कि जो बैकबोर्ड होता है जिस रॉड से जुड़ा रहता है, उसकी लंबाई रिंग के मध्य से कितनी दूरी पर होती है। तो 0.15 मीटर। नेक्स्ट है, बैकबोर्ड की मोटाई कितनी होती है। तो उसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल की प्लेयर की जर्सी पर लगे जर्सी पर कितने से कितने के मध्य नंबर होते हैं। तो वह 4 से 15 तक नंबर होते हैं। तो जैसे कि पीछे का जो नंबर होता है 20x2 सेंटीमीटर का होता है, आगे का नंबर होता है 10x2 सेंटीमीटर का, और 4 से 15 तक होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, पीछे 20x2 सेंटीमीटर, आगे 10x2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, 24 सेकेंड रूल किस खेल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल से संबंधित है, मैंने 24 सेकेंड रूल को बता दिया है आपको। नेक्स्ट है, रिंग पर लगे नेट की लंबाई कितनी होती है। तो 40 सेंटीमीटर और रिंग का व्यास 45 सेंटीमीटर, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बैकबोर्ड किस खेल से संबंधित है। तो बैकबोर्ड बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में बास्केटबॉल महिला को शामिल किया गया। तो 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में, और पुरुष को 1936 बर्लिन ओलंपिक में, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, फीबा का फुल फॉर्म क्या है। फीबा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, जिसकी स्थापना 1932 अमेरिका में हुआ, हेडक्वार्टर मीस स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को किस तकनीकी नाम से जाना जाता है। तो बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को केजर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का क्या नाम है। तो राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम है विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता का क्या नाम है। प्रिंस रोसाला झा ट्रॉफी, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी और राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता प्रिंस रोसाला झा ट्रॉफी। नेक्स्ट है, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल का उद्गम किस देश में हुआ था। तो जैसा कि अमेरिका में हुआ था, जेम्स स्मिथ ने 1891 में इसकी खोज किया था। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल की खोज का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था ठंड के दिनों में इंडोर एक्टिविटी प्रदान करना, क्योंकि एक इंडोर में ज्यादा खेला जाता था पहले। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल के द्वारा किस प्रकार के चोटों की रोकथाम की जाती है। तो बास्केटबॉल खेल से कंडीशनिंग प्रोग्राम के द्वारा चोटों की रोकथाम किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बास्केटबॉल खेल के दौरान कौन सा शॉट सबसे आसान होता है। तो फ्री थ्रो जो है बास्केटबॉल में सबसे आसान शॉट होता है। नेक्स्ट है, फ्री थ्रो करने के पहले एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए। तो उसे
तनाव रहित होकर शॉट पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, सुरक्षात्मक खिलाड़ी न होने पर सबसे आसान शॉट कौन सा होता है? तो सुरक्षात्मक खिलाड़ी न होने पर सबसे आसान शॉट ले अप शॉट होता है। तो दोस्तों, ये था बास्केटबॉल से रिलेटेड हिस्ट्री, रूल्स एंड मेजरमेंट्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, जो भी आपके डाउट होगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।